बरसात के मौसम में अंबाला शहर में जलभराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान होगा। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने अंबाला शहर वासियों को करोड़ों की सौगात दी है और अब नई पाइपलाइन बिछाकर जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में विधायक ने कालका चौक पर बने सड़क के चौड़ीकरण के शिलान्यास के साथ साथ जनता को करोड़ों की सौगात दी। वहीं असीम गोयल एक बार फिर से अंबाला वासियों के लिए कई सौगात लेकर आए हैं। दरअसल असीम गोयल ने बनूडी नाका के नजदीक पुरानी घास मंडी को बरसाती पानी से निजात दिलवाने के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है। 9.5 करोड़ की योजना से बरसाती पानी की निकासी के लिए पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बनूडी नाके से घग्गर नदी तक बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का निर्माण कार्य भी किया जाना है। अड़ा के अंदर हर बरसात के अंदर एक निकासी की एक परमानेंट सी समस्या थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब निवेदन किया, ये काफ़ी सालों से मामला NGT में जो है पेंडिंग था, उनकी परमिशन नहीं मिल रही थी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों से इसको NGT में क्लियर भी करवाया और लगभग 9.5 करोड़ रुपए का बजट भी हमें दिया। अब इससे एक टैंक बनेगा जो ओवरफ्लो होकर पानी पूरे शहर का बरसात का आता है, इसमें स्टोर करके इसको हम यहाँ से आगे घग्गर में जो है ट्रीट करके भेजेंगे। तो वहीं इस योजना के शुभारंभ के लिए असीम गोयल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त किया। असीम गोयल ने बताया कि ये मामला पिछले काफी समय से NGT में पेंडिंग था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सहायता से आज इस योजना का शुभारंभ हो पाया है। भगवान ने चाहा, काम ठीक टाइम पे हो गया और हम उसको टाइट भी करेंगे। एजेंसी को और अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश है कि अगली बरसात का जो प्रकोप है वो अंबाला शहर निवासियों को भुगतना ना पड़े, ये प्रोजेक्ट उससे पहले चल चुका है। हाउस जसमीत नगर, कबीर नगर और घास मंडी और वाल्मीकि बस्ती, ये सारा है उसके एडजॉइनिंग एरिया, ये सबको बेनिफिट मिलेगा। तो कब हमारी कोशिश है अगली बारिशों से पहले पहले इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर दिया जाए पाइप साइड पे आके। बता दें कार्यक्रम के दौरान विधायक असीम गोयल के साथ साथ BJP के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही असीम गोयल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली बरसात से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो वहीं असीम गोयल के आदेशों के बाद अंबाला वासियों को इस बात की उम्मीद है कि अगली बरसात में जल भराव की समस्या से नहीं गुजरना होगा।